Assalamu alaikum, my dear students of Nursery class. How are you? I'm your math teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Palwal. It's your lecture number 12. Dear students, lecture number 11 में हमने big और short का concept पढ़ा था. आज की हमारा जो lecture है उसमें हमने tall, आज के lecture में हमने long और short को concept पढ़ना है. Lecture number 11 में हमने big और small का concept पढ़ा था. डियर स्टूडेंट, ये जो पिक है ये किसकी है, आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या है? वेरी गुड, ये पी है, मटर जिसको हम उर्दू में कहते हैं. इसका हम सर्दियों में सालन भी बना के खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है. अब देखिए नर्सरी क्लास की, ये वाला जो पी है ये लॉन्ग है, ये वाला पी शॉर्ट है. ये वाला पी लॉन्गर है इस वाले पी से. ये देख लें, इसका जो साइज है वो बड़ा है ना, वो ऐसे लंबा है, ये लॉन्ग है, लेकिन ये वाला पी शॉर्ट है. इसी तरह देखिए नीचे वाली पिक्चर में ये रेड चिली है. रेड चिली जो ऊपर है, ये जो पिक है, ये वाली रेड चिली लॉन्ग है, लेकिन जो ये वाली है ये स्मॉल है, ये शॉर्ट है. ये वाली रेड चिली लॉन्ग है, ये वाली रेड चिली शॉर्ट है. डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये पेडल है, ये वाला पेडल इस वाले पेडल से लॉन्ग है, लेकिन जो ये वाला पेडल है वो इससे शॉर्ट है. आप सब देखें, आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि ये वाला पेडल लॉन्ग है, लेकिन जो ये पेडल है ये शॉर्ट है. वेरी गुड. इसी तरह ये लैडर है, ये वाली लैडर इस नीचे वाली लैडर से लॉन्ग है, मतलब लंबी है, लेकिन जो ये लैडर है ये शॉर्ट है. वेरी गुड. ये वाला पेडल लॉन्ग है, ये वाला शॉर्ट है, और ये वाली लैडर लॉन्ग है, ये वाली शॉर्ट है. वेरी गुड. हमने लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट किया. जो चीजें लंबी होती हैं, ठीक है, वो लॉन्ग है, और जो उनसे छोटी है उसको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट है. एंड योर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 34. हमने डॉट्स को ज्वाइन करना है. डियर स्टूडेंट्स, हमने 1 से ज्वाइन करना स्टार्ट करना है और 9 तक हमने डॉट्स को ज्वाइन करना है. डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 है, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? वेरी गुड, 2. अब हमने 1 को 2 वाले डॉट के साथ ज्वाइन कर देना, लाइक दिस. वेरी गुड. उसके बाद अब 2 के बाद जो नंबर आता है वो कौन सा है? 3. अब 2 से हमने 3 वाले डॉट के साथ ज्वाइन करना है, लाइक दिस. वेरी गुड. 3 के बाद नंबर कौन सा आता है? 4. वेरी गुड. अब हमने 3 से 4 तक ज्वाइन किया. 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? वेरी गुड, 5. 4 से हमने 5 तक डॉट जो था उससे हमने ज्वाइन किया. अब 5 के बाद 6. 6 वाले डॉट के साथ हमने ज्वाइन किया. वेरी गुड. 6 के बाद जो नंबर आता है वो है 7. हमने 7 के साथ ज्वाइन किया. वेरी गुड. 7 के बाद 8. 8 के साथ ज्वाइन किया. वेरी गुड. 8 के बाद कौन सा नंबर आता है नर्सरी क्लास? 9. हमने 8 के बाद 9 से ज्वाइन कर दिया और ये हमारी फिश कंप्लीट हो गई. वेरी गुड. आप सबने यहाँ तक ही करना है और आप सबने अपनी बुक पे इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और फिश के अंदर कलर करना है. अब हम फिश के अंदर कलर करेंगे. आप सबने भी अपनी बुक पे फिश के अंदर कलर करना है. पहले आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे एंड देन आपने इसके अंदर कलर करना है. इस तरह आप सबने फिश के अंदर कलर करना है. अब आप सब अपनी मैथ्स की नोटबुक ओपन करेंगे. राइट डे विद द हेल्प ऑफ योर मदर, राइट डेट, टिक द होमवर्क एंड राइट द टॉपिक. आवर टॉपिक इज काउंटिंग. काउंटिंग हमने 1 to 5 कल हमने राइट की थी, हमने इसकी रिवीजन की थी. आज हमने 6 to 10 राइट करनी है. काउंटिंग 6 से 10 तक हमने काउंटिंग राइट करनी है. डियर स्टूडेंट्स, आप नोटबुक पे फर्स्ट वाले जो ब्लॉक्स हैं उनको छोड़ देंगे और मार्जिन लाइन के साथ जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी आप
राइट नहीं करेंगे, आपने इस वाले ब्लॉक से ऐड करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 6 लिखना है। 5 तक हमने लास्ट वाले लेक्चर में की थी, आज हमें 6 से 10 तक राइट करनी है। 6 कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ स्लैंडिंग लाइन एंड देन ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस एंड दिस इज 6। ये हमने क्या राइट किया, 6 राइट किया, वेरी गुड। 6 के बाद जो नंबर आता है वो क्या है, वेरी गुड, 7। एक ब्लॉक छोड़ने के बाद हमने 7 राइट करना है। वी ड्रॉ स्लीपिंग लाइन एंड देन अ स्लैंडिंग लाइन लाइक दिस, 6 7। 7 के बाद एक ब्लॉक छोड़ेंगे और क्या हम राइट करेंगे, वेरी गुड, 8। 7 के बाद 8 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ सर्कल एंड देन वी ड्रॉ अनदर सर्कल लाइक दिस, 6 7 8। 8 के बाद जो नंबर आता है वो कौन सा है, 9। 9 कैसे राइट करना है, ड्रॉ अ सर्कल एंड देन ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन ज्वाइनिंग द सर्कल। इस सर्कल से ज्वाइन करके हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की और ये क्या हमने राइट किया, 9 6 7 8 and 9, वेरी गुड। 9 के बाद जो नंबर आता है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा है, गुड, 1 0 10। ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन ड्रॉ अ 0। 0 की शेप कैसे है, ओवल शेप है, एग जैसी, 1 0 10, वेरी गुड। आप सबने नोटबुक के पूरे पेज पे 6 7 8 and 9 and 10 तक आपने काउंटिंग राइट करनी है। डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बाद हमने नोटबुक पे 1 2 6 to 10 हमने काउंटिंग राइट की। आप सबने अपने रफ रजिस्टर्स पे 1 2 10 काउंटिंग राइट करनी है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बुक का पेज नंबर 34 है, वहाँ पे आपने डॉट्स को ज्वाइन करना है एंड देन फिश के अंदर कलर करना है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।